एप्पल के आईफोन का क्रेज पूरी दुनिया में है। ग्राहकों को हर साल आईफोन के नए मॉडल का इंतजार रहता है, लेकिन आईफोन की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि कई लोग इसे खरीद नहीं पाते। लेकिन अभी एक ऐसा ऑफर चल रहा है जिससे आप भी एप्पल आईफोन 13 सस्ते में खरीद सकते हैं। एप्पल आईफोन 13 कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन है, तो अगर अब तक आप एप्पल आईफोन 13 नहीं खरीद पाए हैं तो अब आप इस प्रीमियम स्मार्टफोन को किफायती कीमत में खरीद सकते हैं। फिलहाल आपको आईफोन 13 पर डिस्काउंट के साथ साथ कैशबैक भी मिल रहा है, साथ ही आप एक्सचेंज ऑफर का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। दरअसल एप्पल के प्रीमियम रीसेलर इंडिया स्टोर पर आईफोन 13 पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है। इस फ़ोन के 128GB स्टोरेज वेरिएंट को आप सिर्फ 50,900 रुपये में खरीद सकते हैं, जबकि इसकी कीमत 79,900 रुपये है। इस फ़ोन पर करीब 5,000 रुपये का इंस्टेंट स्टोर डिस्काउंट और करीब 6,000 रुपये का कैशबैक ऑफर भी मिल रहा है। आपको बता दें कि ये कैशबैक ऑफर ICICI बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोटक बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और SBI के क्रेडिट कार्ड पर मिल रहा है। एप्पल आईफोन 13 पर आपको करीब 18,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। अगर आप आईफोन XR के 64GB वेरिएंट को एप्पल आईफोन 13 के साथ एक्सचेंज करते हैं तो आपको इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। हालांकि ये कीमत पूरी तरह से फ़ोन की कंडीशन पर निर्भर करेगा। आईफोन 13 के 128GB वेरिएंट के अलावा ये ऑफर इसके 256GB और 512GB वेरिएंट पर भी मिल रहा है। आईफोन 13 के 256GB वेरिएंट की कीमत 89,900 रुपये और 512GB वेरिएंट की कीमत 109,900 रुपये है। गौरतलब है कि हाल ही में एक मेगा इवेंट में कंपनी ने आईफोन SE 3 स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। आईफोन SE 3 5G नेटवर्क सपोर्ट करता है और इसमें A15 बायोनिक प्रोसेसर लगाया गया है। एप्पल ने आईफोन SE 3 को 3 स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया है। ग्लोबल मार्केट में ये डिवाइस $429 यानी करीब 33,000 रुपये की कीमत से शुरू होगी और भारत में इसकी शुरुआती कीमत 43,900 रुपये है। आप इस हैंडसेट को 64GB, 128GB और 256GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ खरीद सकते हैं। इसी इवेंट में आईफोन 13 और आईफोन 13 प्रो का नया कलर वेरिएंट लॉन्च किया गया था। इसके अलावा कंपनी ने इस इवेंट में आईपैड एयर 2022 और मैक स्टूडियो को भी लॉन्च किया था।